द फैक्ट टच में आपका स्वागत है जी। मैं हूं सुखविंद्र कोटली। जानते हैं आज डेरा सच्चा सौदा की जो सच्चाई है क्या है, कहां कहां पे लोग कहां जुड़े से कब से जुड़े हैं, जानेंगे उनके जुआनी। हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, जानते हैं इनसे डेरा सच्चा सौदा में कब से जुड़े हैं। भाई नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम जी, डेरा सच्चा सौदा कब से जुड़े हैं? 10-15 सालों से जुड़े। 10-15 सालों में क्या जीवन में कोई परिवर्तन आई डेरे सच्चे सौदे में आने के बाद? कोई बदलाव आया? मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई सर मेरी तो। ऐसा क्या हुआ अभी आपकी ज़िंदगी बदल गई? नशों से दूर रहे सर। नशे से दूर? नशे पहले कभी कभार नशा किया करते थे? पहले कभी नशा मांस अंडा कभी यूज़ किया करते थे, उसके बाद फिर काफ़ी ज़िंदगी में सुधार आया और उससे काफ़ी दूर हो गए नशे से। डेरे सच्चे सौदे की समाज को कोई देन है? समाज को बहुत देन है, जैसे बलिदान हो गया, जैसे पेड़ पौधे लगाना, समाज को देन है। गुरु जी जो हैं हमारे संत गुरमीत राम सिंह जी, इंसान वो कैसी सोच रखते हैं दुनिया के प्रति, इंसान के प्रति उनकी कैसी सोच कैसी है उनकी? इंसानियत का भला करना जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत का भला करना, मानवता का भला करना। मानवता भलाई के जो कार्य उनकी द्वारा किए जा रहे हैं, उनके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह हैं? कोई देखे हैं आपने, कभी सुना है कोई इसके बारे में? हाँ, काफ़ी रिकॉर्ड हैं सर, जैसे 80 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है। गिनीज बुक में उनके रिकॉर्ड हैं जी? जी, 80 के लगभग हैं। इतने बड़े रिकॉर्ड हैं? जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, इसके भी रिकॉर्ड है जो आज तक सबसे फर्स्ट पे ही है, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आँखें दान हो गई, बॉडी दान हो गई जी। जो गुरु जी पे आरोप लगे हुए हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो जी अब कानून का काम है, इसके बारे में कानून का। सो सरकार से को अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही है, अभी इस मानवता भलाई के कामों को नहीं रोकना है, जैसे भी जैसे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। सो इनका यही कहना है कि जो समाज के भलाई के कार्य चल रहे हैं वो ऐसे कंटिन्यू चलते रहें तो गुरुजी को समाज में होना चाहिए, ताकि जो हमारा देश तरक्की की और भी जा सके। सो भाई साहब, आपने हमें समय दिया, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप देखते रहिए द फैक्ट टच। मैं सुखविंद्र कोटली, भाई मक्खन शर्मा के साथ।